अस्सलाम वालेकुम, सिटीजन न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं आमिर सलीम। जेहलम से नुमाइंदा सिटीजन न्यूज हमजा भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम में मंशियात सप्लाई करने की कोशिश जेल इंतजामिया ने नाकाम बना दी। मुलजिम ने खजूर में चर्स छुपा रखी थी। मुलजिम के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स जेहलम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम में असद नामी शख्स चौहान सईदा का रहायशी 9C के मुकदमा में बंद है। इसके मुलाकात के लिए सोहेल नामी शख्स जेहलम जेल में आया और इसके सामान की तलाशी लेने पर इसके सामान से चर्स बरामद हुई। सोहेल नामी शख्स ने खजूर में चर्स छुपा रखी थी। थाना सिविल लाइन्स पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जब ना हो कानून की बालादस्ती तो होगा जुर्म का राज। मौशे का उतार चढ़ाव और पल पल बदलती जिंदगी, करनी है खुद शनासी और जानना है अपना हक। सिटीजन न्यूज ला रहा है आपके लिए कानूनी मशवरों और पेचीदा मसाइल के हल के लिए लॉ डेस्क हर सोमवार सुपहर 3 बजे सिटीजन न्यूज पर। किसी भी मुआशरे में जो रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी, वही बुनियाद फराहम करती है उस मुआशरे की तरक्की में, उसके इस्तेहकाम में और उस मुआशरे की ग्रोथ में। इसके लिए हमें हर सतह पे इदारा जाती हवालों से, इनफरादी हवालों से शऊर आगही फैलाना होगी। उसके लिए हमें कानून से वाकफियत के लिए जा बजा जो सतह है उस पे मुतहरक रहना पड़ेगा। एक पुत्र जी 7वां साल जा रहा है, एक नू 3रा साल जा रहा है, पंजाब जाके मकान देने। देखें, इसमें किसी एक फरीक का कसूर नहीं होता है। दो फरीक जिस वक्त अदालत में आते हैं तो एक फरीक की कोशिश होती है कि केस का जल्दी फैसला करवाए, दूसरे की कोशिश होती है उसको या तो लंगर ऑन करे, अगर उसके हक में नहीं है तो उसको जाहिर है वो उसको लंगर ऑन करके अपनी जान बचाता फिरता है। इसमें अदालतों में अभी पिछले दिनों काफ़ी पैनाडामिक की वजह से भी काफ़ी असरात रहे। तकरीबन 1 साल तक तो अदालतों में केसों की समाअत बिल्कुल ना होने के बराबर रही है। लेकिन अभी चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं, जस्टिस अमीर भट्टी साहब के आने के बाद काफ़ी बेहतरी आई है और केसों की समाअत में और जजेस के काम में काफ़ी बेहतरी आई है और बिल्कुल रेगुलरली अच्छे खासे केसों की समाअत भी हो रही है और फैसले भी हो रहे हैं। और इस तरह अगर चलता रहा सिस्टम तो ये शिकायत ना क्लाइंट को होगी ना वकला हज़रात को होगी। केसेस के फैसले भी जल्दी होंगे, इंसाफ भी जल्दी मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला ये सिस्टम जो है बेहतरी की तरफ चलता जाएगा और इसमें दिन ब दिन बेहतरी आती जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के इस दौर में हर शख्स परेशान और अपने हक़ की तलाश में दरबदर नज़र आता है। इस जस्तजू में वो परेशान है कि वो अपने हक़ के हसूल के लिए किस दर पर जाए और कौन सा दरवाज़ा खटखटाए। इससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि कानून का हसूल किस तरह से मुमकिन बनाया जाए। इस सब की बुनियादी वजह कानून से नावाकफियत और अदम आगाही है। नाज़रीन, हम सिटीज़न न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आपके लिए प्रोग्राम लॉ डेस्क लेकर आ रहे हैं, जो कि एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है जो आपको कानूनी मसाइल और उनसे मुतल्लिक मुफीद कानूनी मशवरे फराहम करेगा। नाज़रीन, अभी स्क्रीन पर दिया गया QR कोड स्कैन कीजिए और फेसबुक पेज और यूट्यूब पर हमें ज्वाइन कीजिए ताकि आप जान सकें अपने मसाइल से मुतल्लिक कानूनी मशवरा। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी कानूनी माहरीन की टीम आपकी कानूनी रहनुमाई के लिए दस्तयाब होगी। मज़ीद कानूनी मशवरों के लिए हमारा प्रोग्राम लॉ डेस्क विद हुमायूं नवाज़ देखना मत भूलिएगा हर सोमवार 3 बजे सिर्फ सिटीजन न्यूज नेटवर्क पर। लॉ डेस्क हर सोमवार सुपहर 3 बजे सिटीजन न्यूज पर।